नमस्कार साथियों, आइए आज पढ़ते हैं फतेहाबाद ज़िले के बारे में। पहले फतेहाबाद की स्थिति को जान लेते हैं। फतेहाबाद जो है हरियाणा के पश्चिम में पड़ता है। फतेहाबाद हरियाणा के पश्चिम में पड़ता है और फतेहाबाद के साथ में किस राज्य की सीमा लगती है? पंजाब की और राजस्थान की। किसकी भाई? पंजाब की और राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान की सीमा बस कम लगती है, ज़्यादा ज़्यादा सीमा किस राज्य की लगती है? पंजाब राज्य की। किसकी भाई? पंजाब की सीमा लगती है। फतेहाबाद के साथ में जो ज़िले अपनी सीमाएं बनाते हैं उसमें कौन सा ज़िला है? हिसार, जींद और सिरसा। हिसार, जींद और सिरसा, ये तीनों ज़िले जो है वो फतेहाबाद के साथ में सीमाएं बनाते हैं। आइए देखते हैं फतेहाबाद के बारे में कुछ रोचक बातें। फतेहाबाद, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फतेहाबाद को किन नामों से जाना जाता है। प्राचीन नाम क्या भी? प्राचीन नाम फतेहाबाद को इकदार क्या भी? क्या प्राचीन नाम है? इकदार। प्राचीन नाम क्या है भाई फतेहाबाद का? इकदार है। और फतेहाबाद को उदय नगरी भी कहा जाता है। क्या भी? उदय नगरी। फतेहाबाद को क्या कहा जाता है? उदय नगरी भी कहा जाता है। पिंक सिटी। क्या भी? पिंक सिटी। फतेहाबाद को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। ये जो प्राचीन नाम है, इकदार, उदय नगरी, पिंक सिटी और महलों का शहर। महलों का शहर किसको कहा जाता है भाई? महलों का शहर फतेहाबाद को कहा जाता है। महलों का शहर फतेहाबाद को कहा जाता है। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है भाई? शहीदों का शहर, शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? झज्जर को। किसको कहा जाता है भाई? झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है। शहीदों का गांव क्या भाई? शहीदों का गांव कौन से गांव को कहा जाता है? तिगांव। कौन से गांव को कहा जाता है भाई? तिगांव नामक एक गांव है उसको कहा जाता है। ये तिगांव गांव कहाँ पे पड़ता है? ये फरीदाबाद में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है भाई? ये फरीदाबाद में पड़ता है। ये थे नाम और उपनाम किन के भाई? फतेहाबाद के। किन के? फतेहाबाद के ये नाम उपनाम है। अब जान लेते हैं फतेहाबाद को बसाया किसने? फतेहाबाद को किसने बसाया भाई? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक किसने बसाया भाई? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। कब बसाया? 1351 में। कब भाई? 1351 के अंदर फतेहाबाद को बसाया गया था। 1354 में। 1354 में कब भाई? 1354 के अंदर किसको बसाया गया था? हिसार को। किसको बसाया गया था भाई? हिसार को बसाया गया था। अब जान लेते हैं फतेहाबाद को जिला कब बनाया गया? फतेहाबाद जिला कब बना? 15 जुलाई। क्या भी? 15 जुलाई 1997 को जिले के रूप में सामने आया फतेहाबाद। कब भाई? 15 जुलाई 1997 के अंदर जिला बन गया। और ये भिवानी कब बना भाई? 1972 में। क्या भी? 1972 में। जो पड़ोसी जिले हैं हिसार का, क्या भी? हिसार का जो पड़ोसी जिला है भिवानी, वो कब 72 में बना? कैसे इसको याद करें? बेहतर भिवानी। बेहतर भिवानी क्या भाई? बेहतर भिवानी। बेहतर भिवानी, बेहतर लिखेंगे तो क्या भी बै आता है, या फिर बी से डिनोट कर सकते हैं। और भिवानी क्या, कैसे लिखते हैं? भिवानी ऐसे लिखते हैं, तो भिवानी में क्या आता है? बी आता है, तो ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बेहतर भिवानी। ठीक है ना, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो सिरसा बना भाई, सिरसा कब बना? अब जिला 1975 में। कब भाई? 1975 के अंदर सिरसा जिला बना दिया गया था। जो जींद है क्या भाई? जींद, जींद उसी वक्त जिला बन गया था। क्या भाई? उसी वक्त जिला बन गया था जब हरियाणा राज्य अलग हुआ, पंजाब से अलग हुआ भाषा के आधार पे। किस पे भाई? भाषा के आधार पे जब अलग हुआ तो सात के कितने जिले थे भाई? सात जिले थे। कितने जिले थे? सात जिले थे, उनमें से एक जींद भी था। आइए अब जान लेते हैं कुछ और बातें फतेहाबाद के बारे में।
बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या भी? बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फतेहाबाद का क्षेत्रफल, क्या भी? क्षेत्रफल, फतेहाबाद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2538 किलोमीटर स्क्वेयर। कितना क्षेत्रफल है भाई? 2538 किलोमीटर स्क्वेयर। क्या है भाई? फतेहाबाद का क्षेत्रफल है। क्या भाई? फतेहाबाद का क्षेत्रफल है। और फतेहाबाद की जो जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या, फतेहाबाद की जनसंख्या, क्या भाई? 9,42,011। कितने अभी? 9,42,011 किसके अभी? फतेहाबाद की ये जनसंख्या है। फतेहाबाद की क्या अभी? ये जनसंख्या है। उसके बाद में है जनसंख्या घनत्व। क्या अभी? घनत्व। क्या अभी? फतेहाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? 371 व्यक्ति व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वेयर। वही 1 किलोमीटर स्क्वेयर के अंदर कितने व्यक्ति हैं? 371 व्यक्ति। कितने भाई? 371 व्यक्ति है। ये बात है फतेहाबाद के बारे में। क्या भाई? ये बात है फतेहाबाद के बारे में। अब जान लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि फतेहाबाद के बारे में क्या है, थोड़ी सी, क्या भाई, थोड़ी सी नेगेटिव है। क्या भाई? थोड़ी सी नेगेटिव है। सर्वाधिक, क्या भाई? सर्वाधिक लिंगानुपात। क्या भाई? सर्वाधिक लिंगानुपात के मामले में तो फतेहाबाद क्या है? दूसरे स्थान पे है। और निम्नतम साक्षरता दर, क्या भाई? साक्षरता दर, निम्नतम साक्षरता दर की बात करें तो दूसरे स्थान पर फतेहाबाद ही है। क्या भाई? फतेहाबाद दूसरे स्थान पे। और यहाँ पे भी क्या है भाई? दूसरे स्थान पे है। यहाँ पे लिंगानुपात, लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो दूसरे स्थान पे कौन है भाई? फतेहाबाद है। क्या है भाई लिंगानुपात? फतेहाबाद का जो लिंगानुपात है 903 महिलाएं। क्या भाई? 903 महिलाएं प्रति हजार पुरुष। क्या भाई? प्रति हजार पुरुष। ये क्या है भाई लिंगानुपात? फतेहाबाद का है, दूसरे स्थान पे है। मेवात, क्या भाई? मेवात पहले स्थान पे है। मेवात, क्या भाई? मेवात पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कौन है भाई? फतेहाबाद। यदि साक्षरता दर की बात करें तो निम्नतम, क्या भाई? निम्नतम साक्षरता दर के हिसाब से दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है फतेहाबाद। कितनी है भाई? 67.92%। ये क्या है साक्षरता दर फतेहाबाद की। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? मेवात की। क्योंकि मेवात के साथ में क्या है कि अच्छा कनेक्शन है। दूसरे पहले नंबर पे लिंगानुपात में पहले नंबर पे कौन सा है? मेवात। दूसरे पे लिंगानुपात में फतेहाबाद। और निचले स्तर से देखें साक्षरता दर में तो मेवात क्या है पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे फतेहाबाद है। यहाँ पे क्या है कि साक्षरता दर में पीछे है। क्या भी? साक्षरता दर में क्या है? फतेहाबाद पीछे है, निम्नतम स्तर की तरफ गिना जाता है। और इसलिए क्या भाई यहाँ पे वन क्या है? बहुत कम है। वन भी क्या है? क्योंकि साक्षरता नहीं है तो क्या है, कैसे कनेक्ट करें इसको? जब साक्षरता ही नहीं है तो वन कैसे लगाएंगे अभी? जैसे शिक्षा समाज में आती है वैसे ही क्या भाई जागरूकता बढ़ती है। और यहाँ पे वन कितने हैं भाई? 0.71%, 0.71। कितना भाई? 0.71% वन है। क्योंकि शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जागरूकता आएगी और वैसे वैसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। क्या भाई? जैसे जैसे शिक्षा आएगी पेड़ पौधे लगाते जाएंगे, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मेरी आपसे अपील है कि आप अपने कम से कम जन्मदिन पे, क्या भी, सभी के सभी लोग अपने जन्मदिन पे एक पौधा अवश्य लगाएं। क्या भी? जन्मदिन पे एक पौधा अवश्य लगाएं। ऐसे एक एक जन्मदिन पे एक एक व्यक्ति यदि पौधा लगाता है तो यदि गांव की जनसंख्या 5,000 है तो 5,000 पौधे एक साल के अंदर लग जाते हैं। एक थोड़ा सा चेंज करना है, बदलाव बहुत बड़ा होगा, इससे कोशिश कीजिए, ठीक है ना?
आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि वन कम है, क्या भाई वन कम है, तो यहाँ का जो पर्यटक स्थल के मामले में भी क्या है भाई, पर्यटक स्थल के मामले में भी पीछे है फतेहाबाद। पर्यटक स्थल के मामले में पीछे है क्योंकि यहाँ पे वन नहीं है, क्योंकि वन नहीं है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। सबसे अधिक जो पर्यटक स्थल है वो कहाँ पे है, सर्वाधिक कहाँ पे है अभी, सबसे अधिक जो पर्यटक स्थल है वो है कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। कहाँ पे अभी, कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक जो हरियाणा में पर्यटक स्थल कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। सबसे कम कहाँ पे अभी, फतेहाबाद में। सबसे कम कहाँ पे है, फतेहाबाद में है। और यहाँ पे क्या है कि अधिक की बात करें, क्या भी अधिक की बात करें, जो SC ST समुदाय के जो लोग हैं, क्या भी SC ST समुदाय के जो हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, वो कितने परसेंट अभी फतेहाबाद में, कितने परसेंट, 30.2%। कितने भाई, 30.2%। और जो प्राचीन काल में, क्या अभी प्राचीन काल के अंदर भील जाति के, क्या अभी भील जाति के लोग ज़्यादा रहते थे, क्या अभी भील जाति के लोग यहाँ पे सर्वाधिक रहते थे। हरियाणा में सर्वाधिक भील जाति के लोग कहाँ पे रहते थे प्राचीन काल में, तो वो रहते थे फतेहाबाद में। कहाँ पे रहते थे भाई, वो फतेहाबाद में रहते थे। आगे भी देखते हैं कि इन मामलों में क्या है कि वनों के मामले में क्या है, वनों के मामले में, शिक्षा के मामले में, पर्यटक स्थल के मामले में तो फतेहाबाद क्या है भाई, पीछे है। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें भी है जिसमें फतेहाबाद नंबर वन पे है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनमें फतेहाबाद क्या है, नंबर वन पे है, उनकी भी बात हम करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं फतेहाबाद किस मंडल के अंतर्गत आता है। मंडल किस मंडल के अंतर्गत आता है भाई, हिसार। हिसार मंडल में पड़ता है फतेहाबाद। किस मंडल में पड़ता है, हिसार मंडल में पड़ता है। जो उपमंडल, उपमंडल फतेहाबाद के जो उपमंडल है वो कौन कौन से है, उपमंडल और तहसील, उपमंडल और तहसील कौन कौन से है अभी, फतेहाबाद, क्या भी फतेहाबाद, टोहाना, टोहाना और रतिया, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये है तहसील और उपमंडल, क्या भाई तहसील और उपमंडल है। अब बात कर लेते हैं उप तहसील की। उप तहसील जो फतेहाबाद के अंदर है, उप तहसील कौन कौन सी उप तहसील है, भुन्ना, भट्टू कला, जाखल और कुल्या। ये क्या है भाई, ये उप तहसील है, ये क्या है भाई, उप तहसील है। इन्हीं के अंदर क्या है कि कुला को छोड़ दीजिए, क्या भी कुला को छोड़ दीजिए, बाकी सभी के सभी क्या है, खंड। सभी के सभी क्या है भाई, खंड है, क्या भी खंड है। सभी के सभी क्या है, खंड है, ब्लॉक है, क्या भी ब्लॉक है। क्या है, सभी के सभी बाकी ब्लॉक है। इसके अंदर क्या है कि टोहाना क्या आया हुआ है, टोहाना आया हुआ है, भुन्ना आया हुआ है। भुन्ना को तो कैसे भूल सकते हैं भाई, भुन्ना को नहीं भूला जा सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है, अमरूद प्रदर्शन केंद्र क्या फेमस है भाई, भुन्ना के अंदर क्या फेमस है, अमरूद प्रदर्शन केंद्र फेमस है। अमरूद यहाँ के क्या भी फेमस है, क्या भी अमरूद भुन्ना के क्या भी फेमस है। उसके बाद में क्या है कि टोहाना, क्या भी टोहाना, जो टोहाना का प्राचीन नाम था वो क्या था भाई, तुराना। क्या नाम था, तुराना। और इस तुराना को किसने बसाया, क्या भी टोहाना का जो प्राचीन नाम, ये क्या भी प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम। टोहाना को बसाया किसने, अनंग पाल तोमर ने, अनंग पाल
तोमर। किसने बसाया भाई? अनंग पाल तोमर ने बसाया। किसने बसाया इसको? टोहाना को या फिर तोराना को किसने बसाया? अनंग पाल तोमर ने बसाया। और यहाँ पे क्या है? अनंग सर तालाब, अनंग सर तालाब, अनंग सर तालाब कहाँ पे है? टोहाना में। क्या भाई? अनंग सर तालाब कहाँ पे है? टोहाना के अंदर है। और यहाँ पे है सुरंगों की बावड़ी। क्या भाई? सुरंगों की बावड़ी। क्या भी? क्या भी? सुरंगों की बावड़ी। सुरंगों की बावड़ी कहाँ पे है? टोहाना में। सुरंगों की बावड़ी कहाँ पे है? टोहाना में। कैसे इसको याद करें कि सुरंग में कोई, क्या भी सुरंग में क्या है? चोर घुस गए हैं। सुरंग में क्या है भाई? चोर घुस गए हैं। उसको क्या करना है भाई? टोना है। उसको क्या करना है? टोना है। तो टोना से क्या बन गया? टोहाना। क्या बन गया भाई? टोहाना। सुरंग की बावड़ी कहाँ पे है? टोहाना में है। और महम की बावड़ी कहाँ पे है? रोहतक में। महम की बावड़ी कहाँ पे है? रोहतक में है। और सुरंग की बावड़ी कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। और जो फतेहाबाद के ऊपर कितने अटैक किए गए थे भाई? 38 बार। कितनी बार? 38 बार अटैक। सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ पे हुए थे? फतेहाबाद के टोहाना में। क्या भाई? फतेहाबाद के टोहाना के अंदर क्या हुए थे? सबसे ज़्यादा अटैक हुए थे। कितने? 38 बार अटैक हुए थे। और तैमूर लंग, क्या भी? तैमूर लंग ने क्या भी 1398 में, 1398 के अंदर सबसे पहले तो किया सहरसा के ऊपर अटैक। किसके पे? किसके ऊपर? सहरसा के ऊपर अटैक किया। उसके बाद में फतेहाबाद पे, उसके बाद में फतेहाबाद में। कैसे इसको याद करें भाई? तैमूर लंग ने सबसे पहले कहाँ पे किया अटैक? सिर पे किया। कहाँ पे किया? सिर पे किया। ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अटैक कहाँ पे किया कि बंदा जो नाजुक है सिर के ऊपर, क्या भी सिर के ऊपर अटैक किया। उसके बाद में क्या गया? फतेह हासिल करने के लिए फतेहाबाद पे अटैक किया। पहले सिरसा में, उसके बाद में फतेहाबाद पर अटैक किया। कब? 1398 पर। कब भाई? 1398 के अंदर ये अटैक किए। उसके बाद में देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मामलों में फतेहाबाद पीछे है, कुछ मामलों में फतेहाबाद नंबर वन पर भी है। किन मामलों में नंबर वन पर है? हरियाणा में प्रथम। क्या भी? हरियाणा में प्रथम, हरियाणा में प्रथम है फतेहाबाद। किन किन मामलों में है? ये है सेब और केलों के मामले में। क्या भी? सेब और केलों के उत्पादन के मामले में कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है? क्या कौन सा भी? वो है फतेहाबाद। कौन सा स्थान हासिल है? पहला स्थान हासिल है। कौन सा स्थान हासिल है भाई? पहला स्थान हासिल है। प्रथम कॉटन मिल। क्या भी? प्रथम कॉटन मिल। क्या भी? प्रथम कॉटन मिल 1963 में। क्या भी? 1963 के अंदर प्रथम कॉटन मिल कहाँ पे लगी? हरियाणा के प्रथम कॉटन मिल कहाँ पे लगे भाई? फतेहाबाद में। कहाँ पे लगे भाई? फतेहाबाद के अंदर लगे। और जो चार मंजिला है, क्या भी हरियाणा का पहला, क्या भी हरियाणा का पहला चार मंजिला बस अड्डा, मंजिला बस अड्डा कहाँ पे भाई? बस अड्डा। क्या भी? चार मंजिला। हरियाणा का प्रथम चार मंजिला बस अड्डा कहाँ पे है? बन रहा है वो भी फतेहाबाद के अंदर। बन करके तैयार हो गया अभी, बन करके तैयार हो गया है ये बस अड्डा भी। कहाँ पे है? चार मंजिला। क्या भी? हरियाणा का पहला चार मंजिला बस अड्डा कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। प्रथम पॉलीथीन मुक्त। क्या भी? प्रथम पॉलीथीन मुक्त जिला, प्रथम पॉलीथीन मुक्त जिला हरियाणा का प्रथम पॉलीथीन मुक्त जिला भी कौन सा है? फतेहाबाद। कौन सा भी? फतेहाबाद। और जो एक करंट का क्वेश्चन है, क्या अभी करंट का क्वेश्चन है? प्रथम जो है परिवार पहचान पत्र, क्या भी परिवार पहचान पत्र बनाने वाला,
जो जिला है, क्या भी जो जिला है वो भी कौन सा है, फतेहाबाद। क्या भी फतेहाबाद के अंदर क्या है कि फैमिली आईडी, क्या भी फैमिली आईडी बनाने में भी प्रथम स्थान हासिल किया है किसने, किया भी फतेहाबाद ने। किसने स्थान हासिल किया है, फतेहाबाद ने हासिल किया है। प्रथम पॉलीथीन मुक्त, क्या प्रथम पॉलीथीन मुक्त जो जिला है वो कौन सा है, वो भी फतेहाबाद है। बहुत अच्छी बात है। प्रथम कॉटन मिल कहाँ पे लगी, फतेहाबाद में लगी। 1963 में 4 मंजिला बस अड्डा कहाँ पे, अभी फतेहाबाद में है, हरियाणा का पहला। और जो हरियाणा फतेहाबाद को क्या भी सबसे पहले जो हरियाणा में अर्जुन अवार्ड मिला, क्या भी किसको मिला भी, फतेहाबाद के एक खिलाड़ी है, अर्जुन अवार्ड। प्रथम अर्जुन अवार्ड किसको मिला भी, उदय चंद को, क्या भी उदय चंद, जो क्या खेलते हैं भाई, कुश्ती। इनको मिला भी, किनको मिला भी, उदय चंद को मिला। क्या खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, फतेहाबाद। क्या भी फतेहाबाद जिले के हैं, कहाँ के, अभी फतेहाबाद जिले के हैं, उदय चंद। क्या भी उदय चंद, और क्या खेलते हैं, कुश्ती खेलते हैं। और इन्होंने पदक, क्या भी पदक कब जीता, 1961 में, कब भाई, 1961 में जीता। कहाँ पे टूर्नामेंट थी भाई, जापान। कहाँ पे टूर्नामेंट थी, जापान के अंदर ये टूर्नामेंट थी। वहाँ पर कौन सा पदक जीता, कांस्य, कौन सा पदक जीता भाई, कांस्य पदक जीता। और उदय चंद का जन्म किस, कब हुआ भाई, 1935 में, कब भाई, 1935 में, 1961 में। क्या भी इंडिया को, क्या भी इंडिया को एक पदक दिलवाया, फतेहाबाद को एक पदक दिलवाया, कौन सा पदक, कांस्य पदक। और अवार्ड कौन सा था, अर्जुन अवार्ड। क्या कौन सा अवार्ड मिला भाई, हरियाणा को जो पहला अवार्ड मिला वो दिलवाने वाले कौन थे, अर्जुन अवार्ड दिलवाने वाले कौन थे, उदय चंद। कुश्ती से संबंध रखते हैं, 1961 में मिला जापान के अंदर, क्या भाई ये टूर्नामेंट हुई, कांस्य पदक। पदक कौन सा था, कांस्य पदक था, कौन सा पदक था, कांस्य पदक। 1935 में इनका जन्म हुआ। 1935 से याद आता है आरबीआई, क्या याद आती है भाई, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना भी कब हुई थी, 1935 में, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 के अंदर क्या भाई आरबीआई की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई भाई, आरबीआई की स्थापना हुई। आप अप्रैल फुल को अप्रैल फुल ना मनाएं, अप्रैल फुल ना मनाएं, क्या करें भाई, अप्रैल फुल यदि आप किसी को मनाते हैं तो उसमें नुकसान भी हो जाता है, क्या भाई नुकसान भी हो जाता है, फ़ायदा नहीं होता उससे। तो क्या अभी इस दिन बहुत अच्छी चीज़ें हुई है भाई, क्या भाई इसी दिन अप्रैल फुल जो मनाते हैं उसी दिन क्या हुई भाई, उसी दिन क्या भाई आरबीआई की क्या हुई, स्थापना हुई। इस दिन को मनाइए आप, क्या भाई आरबीआई की स्थापना को मनाइए। जो आरबीआई की स्थापना हुई वो एक बुक के ऊपर डिपेंड थी, किसके ऊपर डिपेंड थी भाई, वो बुक के ऊपर डिपेंड थी। वो उस बुक का नाम क्या था, ए प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सॉल्यूशन, ए प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सॉल्यूशन, क्या भी सॉल्यूशन। ये इस बुक, क्या भी ये इस बुक के ऊपर डिपेंड थी ये आरबीआई की स्थापना। किसकी स्थापना थी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में ये आरबीआई बना। और जो इस बुक के जो लेखक हैं कौन है भाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कौन थे भाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके इस बुक के क्या थे भाई, लेखक थे, क्या थे भाई इस बुक के लेखक थे। उसके बाद में पढ़ते हैं कुछ और रोचक बातें फतेहाबाद के बारे में, क्या भी फतेहाबाद के बारे में कुछ और रोचक बातें पढ़ते हैं। आगे है, जो एक ऐसा गांव है, क्या भाई एक ऐसा गांव है जो कैबिनेट की तर्ज के ऊपर काम करता है, कौन सा गांव है, तलवाड़ा।
क्या अभी तलवाड़ा एक गांव है, ग्राम पंचायत तलवाड़ा है, वो क्या है कि कैबिनेट, क्या अभी जैसे कैबिनेट कार्य करती है, जैसे कैबिनेट का कार्य जो होता है, तो उसके तर्ज पे, कैबिनेट की तर्ज पे, कैबिनेट, क्या अभी कैबिनेट की तर्ज पे, क्या अभी कैबिनेट की तर्ज के ऊपर काम करने वाले जो ग्राम पंचायत है वो कौन से है? ग्राम पंचायत तलवाड़ा, वो भी कहाँ पे है? फतेहाबाद में। वो भी कहाँ पे है? अभी फतेहाबाद के अंदर है। हरियाणा का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या अभी हरियाणा का एकमात्र, क्या अभी हरियाणा का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? गोरखपुर में। कहाँ पे? अभी गोरखपुर में। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट। कितनी भाई? 2800 मेगावाट। और ये बना कब? क्या अभी ये बना कब? 2014 को। कब बना भाई? 2014 को। 14 को बना और 28 में क्या है भाई? क्या 2800 मेगावाट इसकी क्या है विद्युत उत्पादन क्षमता? क्या अभी विद्युत उत्पादन क्षमता? एक चीज़ याद रख लीजिए आप, एक चीज़ याद रख लीजिए। किसको याद कीजिए? 28 को याद कर लीजिए इसका आप कीजिए। ये इसकी क्या हो जाएगी? स्थापना। ये उसकी क्या हो जाएगी? स्थापना। या फिर स्थापना को याद कीजिए, उसका डबल कीजिए, क्या हो जाएगी? या विद्युत उत्पादन क्षमता। न्यूक्लियर पावर प्लांट की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है जो कि गोरखपुर में है? 3800 मेगावाट। क्या अभी 3800 मेगावाट। उसके बाद में है हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच। क्या अभी हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच, सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है भाई? रेखा रानी। रेखा रानी। क्या अभी सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है? रेखा रानी है। सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है भाई? रेखा रानी है। कितने साल की है भाई ये? ये है 21 साल की। कितने भाई? 21 वर्ष की। देखो छोटी सी उम्र में क्या बन गई? सरपंच। क्या अभी छोटी सी उम्र में क्या बन गई? सरपंच। और सरपंच बनने के लिए क्या अभी आपके पास में तो क्या है कि सरपंच ऐसे वैसे भी बन जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए, क्या अभी महिलाओं के लिए कितनी अच्छी बात है कम उम्र में सरपंच बनना। बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि रेखा रानी 21 वर्ष में सरपंच बनी और अच्छे काम भी कर रही है। क्या अभी अच्छे काम भी कर रही है? कौन सा गाँव है भाई इनका? गांव है वहां की है रेखा रानी, 21 वर्षीय सरपंच। क्या भाई 21 वर्षीय सरपंच, हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच। हरियाणा का सबसे छोटा गांव, में गांव का नाम है, गांव का नाम है चितेन। क्या अभी गांव का नाम है चितेन। 432 यहाँ पे क्या है लोग रहते हैं। कितनी इनकी जनसंख्या कितनी है गांव की?